नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कीबोर्ड में नंबर पैड टाइपिंग का डे टू है। दोस्तों, कुल 10 दिन का ये अभ्यास है। 10 दिन में आपकी बहुत अच्छी कीपैड में टाइपिंग बढ़ जाएगी। नंबरों को जब आप दबाओगे तो बहुत अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड निकल कर आएगी। अगर आप तरीके से इस अभ्यास को करेंगे, मेरे बताए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इन सभी अभ्यासों को मैं प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा। मैं आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं अगर आपको इन अभ्यासों को देखना है तो। दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड के जो कीपैड होता है उससे जब हम नंबर से टाइप करते हैं तो शुरुआत में हमें दिक्कत आती है। अगर हम पांचों उंगलियों से की जब प्रेस करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी आएगी शुरुआत में, लेकिन जब आप तरीके से अभ्यास करेंगे तो इससे बहुत अच्छी आपकी स्पीड निकल कर आएगी। और दोस्तों, शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे टाइप करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जिस उंगली से जो बटन दबना है उसी उंगली से वो बटन दबाएं, दूसरी उंगली से ना दबाएं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत में ही गलती करते हैं और बार बार कीबोर्ड को ना देखें। अगर आपकी उंगलियाँ सेट से सही तरीके से नहीं बैठ रही हैं कीबोर्ड पर, तब उसी समय आप देखें, पर उसके बाद ना देखें। उसके बाद कंप्यूटर में देखें, अगर मोबाइल में देखकर कर रहे हैं तो मोबाइल में देखें, अगर किसी पेज में आपने लिखा हुआ है उसको देखकर लिख रहे हैं, उसको देखकर टाइप कर रहे हैं तो पेज में देखकर टाइप करें। लेकिन कीबोर्ड में बार बार आपको नहीं देखना है, बिना देखे कीबोर्ड में टाइपिंग करनी है और शुरुआत में बहुत आराम आराम से टाइप करना है क्योंकि शुरुआत में हाथ सही से बैठता नहीं है तो उंगलियाँ इधर की उधर जाती हैं। ये आप धीरे धीरे जैसे करोगे, करते ही करते आपकी 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद अपने आप ही आपका हाथ सेट हो जाएगा और सही बटन में सही उंगली जाएगी अपने ही। तो दोस्तों, अब आज डे टू है तो आगे का मैं अभ्यास आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने 4 स्टेप में बांट रखा है नंबर पैड टाइपिंग डे टू को। इस अभ्यास को मैंने 4 स्टेप में बांट दिया है और इसके आगे मैंने टाइमिंग भी लिख दी है कि कितने किस स्टेप को आपको कितने समय तक करना है। ये 4 स्टेप हैं, हर स्टेप को आपको 15 15 मिनट अभ्यास करना है तो आपका ये 1 घंटा हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरे घंटे में इन सभी का रिवीजन करना है आपको। तो इस प्रकार से आपको 2 घंटे अभ्यास करना है। अगर आप सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अभ्यास करते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये जो आप अभ्यास अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहीं कॉपी में नोट कर लें और उसी कॉपी से देखकर टाइप करें। दोस्तों, जो ये नंबर पैड है उसका ये होम रो है। कल इसका अभ्यास करा था हमने, 4 5 6 और शून्य का अभ्यास करा था, एंटर का अभ्यास किया था। और दोस्तों, आज 1 2 3 का अभ्यास करेंगे और साथ में शून्य का अभ्यास करेंगे और पॉइंट का भी अभ्यास करेंगे, और जो ऊपर वाली जो रो है जिसका हमने कल अभ्यास करा था उसको भी मिक्स करके उसका भी आज रिवीजन हो जाएगा, उसका भी अभ्यास कर लेंगे। तो पहले दोस्तों, जो नीचे वाली रो है उसका अभ्यास करेंगे आज। आज है नंबर पैड डे टू है, नंबर पैड की टाइपिंग का डे टू है। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टेप 1 को करना है आपको 15 मिनट तक का। स्टेप 1 में आपकी उंगलियां ऐसे ही रखेंगी, जैसे स्टेप 1 में आपको क्या करना है, 1 प्रेस करेंगे फिर ऊपर आएगी उंगली, फिर 2 प्रेस करेंगे फिर ऊपर आएगी उंगली, फिर 3 प्रेस करेंगे फिर ऊपर आएगी उंगली। मतलब आपको इसको नीचे वाले बटन को दबाना है, उसके बाद फिर उंगली ऊपर रखनी है क्योंकि यही होम रो है इसकी। इस आदत को आपने बना के रखना है। 1 फिर ऊपर, 2 फिर ऊपर, 3 फिर ऊपर, फिर इंटर। 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, फिर इंटर। इंटर इस उंगली से दबाएंगे दोस्तों। देखिए, ऊपर जैसे हमने उंगलियां रखी है ठीक उसी के सामने पर हैं ये उंगलियां। 4 के नीचे वाली उंगली से ये दबेगा, 2 इस उंगली से दबेगा और 3 इस उंगली से दबेगा। 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। ये देखिए दोस्तों, 1 प्रेस किया ऊपर आ गया, फिर 2 प्रेस किया ऊपर गया, 3 प्रेस किया ऊपर गया, फिर इंटर। 1 ऊपर 2 ऊपर 3 ऊपर, फिर इंटर। ऐसा करीबन 5 मिनट तक करें आप, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 1 फिर ऊपर उंगली, 2 फिर ऊपर उंगली, फिर 3 फिर ऊपर उंगली, फिर इंटर। ऐसा 5 मिनट तक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है,
आज सेट ना हो तभी देखें, और थोड़ी देर बाद फिर और कीबोर्ड का ना देखें। 5 मिनट ये करने के बाद फिर 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्की सी स्पीड में करेंगे 1 2 3 इंटर। अब हल्की सी स्पीड में जब आप इस तरीके से करेंगे तो हर बार उंगली हाथ आपका ऊपर नहीं जाएगा, 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर, बस इतना करना है आपको, 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर करने के बाद फिर उसके बाद जाएगा हाथ ऊपर को। इस चीज़ को आप देख लें अपने स्क्रीन पर, ये 1 2 1 2 3 इंटर इतना कर दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर यहाँ से उल्टा चलेंगे, एक बार 1 2 3 करें, अब क्या करना है 3 2 1 इंटर ये करना है। इस तरीके से उंगलियों को देख लीजिए आप कैसे रखना है, 3 फिर ऊपर, 2 फिर ऊपर, 1 फिर ऊपर, फिर इंटर, 3 फिर उंगली ऊपर जाएगी, फिर 2 फिर उंगली ऊपर जाएगी, फिर 1 फिर उंगली ऊपर जाएगी, फिर इंटर। इस तरीके से करना है आपको, फिर उल्टा चलना है, पहले 1 2 3 और 3 2 1। उंगलियों को कैसे रखना है आपको दिखा देता हूँ मैं, 3 फिर उंगली ऊपर जाएगी, 2 उंगली ऊपर जाएगी, 1 फिर उंगली ऊपर जाएगी, इस प्रकार से फिर इंटर प्रेस करेंगे। ये आपका अभ्यास उल्टे तरीके से भी हो जाएगा। फिर ऐसा 5 मिनट तक जब कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आप बिना देखे फिर कर पाएंगे। तो फिर आपको ये करना है 3 2 1 इंटर, 3 2 1 इंटर, थोड़ा सा ये हल्के सा स्पीड के साथ करेंगे, 3 2 1 इंटर, 3 2 1 इंटर, 3 2 1 इंटर, 3 2 1 इंटर। शुरुआत में स्पीड बनती नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगी आपकी स्पीड 3 2 1 इंटर। दोस्तों आपने 1 2 3 इंटर का अभ्यास किया, फिर 3 2 1 इंटर, ये स्टेप वन में किया, और स्टेप वन में ही इसके बाद क्या करेंगे, 1 1 इंटर, फिर 2 2 इंटर, 3 3 इंटर, 1 1 इंटर, 2 2 इंटर, 3 3 इंटर, 1 1 इंटर, 2 2 इंटर, 3 3 इंटर, इस अभ्यास को करेंगे 1 2 3, 3 2 1। इस अभ्यास इंटर इसके पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, या आपको 1 1 की जगह 11 भी पढ़ सकते हैं मन मन में आप, 11 इंटर, 22 इंटर, 33 इंटर, 11 इंटर, 22 इंटर, 33 इंटर। ये इस अभ्यास को भी आपको जब तक उंगलियाँ सेट नहीं होती हैं तब तक का करना है। इस तरह से आपका स्टेप वन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप वन को आपको 15 मिनट तक करना है। स्टेप टू का अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना है। और आज हम 1 2 3 इस रो का अभ्यास कर रहे हैं, साथ साथ में आप इसका भी अभ्यास कर लेंगे। कल जो हमने इसका अभ्यास करा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ये 1 4 इंटर, उंगली का ध्यान रखें, 1 4 इंटर, 1 4 इंटर, उसके बाद 1 5 इंटर, थोड़ी देर तक 1 4 इंटर, 1 4 इंटर करना है, उसके बाद 1 5 इंटर। जब इसको कितना टाइम तक करना है, इसका हर की का आपको टाइम क्या मैं नहीं बता दूंगा, आपको अपने हिसाब से, ये जैसे आपका हाथ सेट हो जाए फिर दूसरा अभ्यास करना होगा। जैसे 1 4 इंटर, 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 जैसे 2 3 मिनट इसको दबाने के बाद आपको आपको लगता है कि हाथ आपका थोड़ा सा सेट हो गया है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट अभ्यास में बढ़ जाएंगे 1 5 इंटर। ये देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको 1 4 में हाथ सेट हो गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 1 5 इंटर, 1 5 इंटर, उंगली देख लीजिए, 1 जिससे दबना उसी दबेगा, 5 जिससे दबना उसी दबेगा, फिर इंटर, 1 5 इंटर, 1 5 इंटर, 1 5 इंटर। ये दबाते दबाते थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें 1 6 इंटर, उंगली देख लीजिए आप, 1 6 इंटर, 1 6 इंटर, 1 6 इंटर। इसको कब तक दबाना है, जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता है, ये 2 3 मिनट में हाथ सेट हो जाता है, उंगलियाँ सेट हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर अभ्यास को चेंज कर लेंगे। ये देखिए 1 6 इंटर, शुरुआत में दिक्कत आती है दोस्तों, फिर अब आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 2 4 इंटर, 2 4 इंटर, 2 4 इंटर, 2 4 इंटर, 2 इससे दबेगा, 4 इससे दबेगा, फिर इंटर इससे दबेगा। ये देख लीजिए 2 4 इंटर, 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 ऐसा थोड़ी देर तक करते रहेंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे 2 5 इंटर, 2 5 इंटर, 2 5 इंटर,
टू फाइव इंटर। इससे आपके जो है इसका इनकी का भी रिवीजन हो जा रहा है आज। टू सिक्स इंटर। अब इतना करके उंगलियाँ सेट होगी तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे, फिर थ्री फोर इंटर। ये देख लीजिए, उंगली देख लीजिए, थ्री फोर इंटर। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, थ्री फाइव इंटर। अभ्यास मैंने आपको लिख के दिखा रखा है, उसमें से देख देख कर टाइप करेंगे। थ्री सिक्स इंटर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस अभ्यास को, स्टेप टू का जो अभ्यास है, इसको करेंगे 15 मिनट तक का। दोस्तों हमारे स्टेप वन और स्टेप टू हो गए हैं, दोनों स्टेप को हमने 15-15 मिनट तक करना है। अब उसके बाद स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, फोर फोर इंटर। आपका शुरुआत में सेट नहीं होता तो आप इतने आराम से भी दबा सकते हैं, फोर फोर इंटर। कोई बात नहीं, इतने आराम से दबा लीजिए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फाइव फाइव इंटर। सिक्स सिक्स इंटर। फोर फोर इंटर। फाइव फाइव इंटर। सिक्स सिक्स इंटर। ऐसा थोड़ी देर जब आप टाइप करते रहेंगे तो आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, फोर फोर इंटर। मन मन में आप बोलते भी रहें या फिर धीरे धीरे बोल भी सकते हैं मुँह से अपने, फोर फोर इंटर फाइव फाइव इंटर सिक्स सिक्स इंटर। शुरुआत में स्पीड से न करें, शुरुआत में ऐसे धीरे धीरे करें, जैसे आपके 4-5 मिनट आप करते हुए हो जाएं तो उसके बाद स्पीड बढ़ते जाएगी अपने आप। ये देखिए इंटर इसे उंगली से दबेगा। इस अभ्यास को कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप थ्री चल रहा है, फोर फोर इंटर फाइव फाइव इंटर सिक्स सिक्स इंटर, ये हमने टाइप कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे वाले भी ले लेंगे उंगलियाँ, नीचे वाले जो बटन है इनको भी प्रेस करेंगे, फोर वन फोर इंटर। इतने आराम से दबाना है शुरुआत में, फोर वन फोर इंटर। और कीबोर्ड को नहीं देखना है, कीबोर्ड को तभी देखना है जब उंगलियां आपकी इधर उधर होने लगे, तभी देखना है कीबोर्ड को, वैसे कीबोर्ड को नहीं देखना है। 4-1-4 इंटर। जैसे आपसे गलत टाइप होगा तो आप अपने, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख के कर रहे हैं तो आपको गलत टाइप के करा हुआ दिख जाएगा, वैसे भी पता चल जाता है। आप इतनी आराम से करें, 4-1-4 इंटर। जैसे कुछ देर तक ऐसे करते रहें, 2-3 मिनट तक का, उसके बाद आपके जैसे उंगलियाँ सट जाएगी तो 4-1-4 स्पीड, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें, फिर 4-1-4 इंटर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 5-2-5 इंटर। आराम से करेंगे, 5-2-5 इंटर। उसके बाद जैसे उंगली सेट हो जाएगी, 5-2-5 इंटर। इस प्रकार से स्पीड को बढ़ाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो 4-4-1-4 वाली कर दी हमने, 5-2-5 वाली कर ली है। अब उसके बाद 6-3-6 वाली करनी है, तो उंगलियां देख लीजिए आप, 6-3-6 इंटर। इतने आराम से करना है आपको, 6-3-6 इंटर। जैसे ये उंगली सेट हो जाएगी तो स्पीड हल्की से बढ़ाएंगे, 6-3-6 इंटर। ये दोस्तों हमारा स्टेप थ्री था। स्टेप थ्री को भी आपके, आपने कितने टाइम करना है, 15 मिनट करना है। स्टेप थ्री में क्या था हमारा, 4-4 इंटर था, 5-5 इंटर दबाना था, 6-6 फिर इंटर दबाना था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4-1-4 इंटर, 5-2-5 इंटर, 6-3-6 इंटर। इस अभ्यास को भी हमने कितने समय तक करना है, 15 मिनट तक का। ये स्टेप थ्री था, आप अपनी कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा,
उसको उसी हिसाब से आप करें। अब देख लीजिए स्टेप फोर की ओर, स्टेप फोर को भी आपने 15 मिनट करना है। स्टेप फोर में हम पॉइंट भी ऐड कर लेंगे, पॉइंट का भी अभ्यास करेंगे। तो 4 0 पॉइंट इससे दबेगा, फिर 3 3 इस उंगली से दबेगा, 3 फिर इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर। देखिए उंगली, देखिए पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ जाएगी उंगली, ये 4 0 पॉइंट 3 इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर, 4 0 पॉइंट 3 इंटर। शुरुआत में दिक्कत आएगी तो आप इतने धीरे करें, 4 0 अंगूठे से प्रेस करेंगे, 0.3 इंटर। इतने इतने आराम से आप करें, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कीबोर्ड को देखकर ना करें। 4 0.3 इंटर, इतने आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इसमें, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। जिस उंगली से जो बटन दबना है आपको ये ध्यान रखना है कि उसी से दबाना है। अगर उंगली इधर की उधर करेंगे तो आपकी टाइपिंग फिर स्पीड नहीं बढ़ पाती है उससे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 5 0.3 इंटर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 50.3 इंटर, 50.3 इंटर। 5 0 ना समझ के 50 समझ लें, कोई दिक्कत नहीं उसे भी, 50.3 इंटर, 50.3 इंटर, 50.3 इंटर, 50.3 इंटर। ऐसा कुछ देर तक करते रहेंगे। उसके बाद 60.3 इंटर, 60.3 इंटर, 60.3 इंटर। उंगलियों को देख लें आप, 60.3 इंटर, 60.3 इंटर, 60.3 इंटर, 60.3 इंटर, 60.3 इंटर। आपको इस अभ्यास को करना है। उसके बाद क्या करना है, 45.3 इंटर, 45.3 इंटर, 45.3 इंटर, 45.3 इंटर, 45.3 इंटर। उसके बाद क्या करना है आपको, 55.3 इंटर, 55.3 इंटर, 55.3 इंटर, 55.3 इंटर। देखिए 5 5 दोनों बार इसी उंगली से दबेगा, 55 पॉइंट इससे दबेगा, पॉइंट फिर 3 इंटर, 55.3 इंटर, 55.3 इंटर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर। देख लीजिए 6 इस उंगली से दब रहा है, इस उंगली से दब रहा है, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर, 65.3 इंटर। ये दोस्तों हमारा स्टेप फोर भी कंप्लीट हो चुका है, और स्टेप फोर को भी 15 मिनट तक करना है। आज स्टेप वन में हमने क्या किया था दोस्तों, जो कीपैड की टाइपिंग के डे वन में हमने 4 5 6 0 इंटर का अभ्यास किया था, और आज हमने क्या ऐड कर दिया डे टू में 1 2 3, और पॉइंट टू को भी ऐड कर दिया है, और पॉइंट टू को ऐड कर रखा है 1 2 3 पॉइंट, इसको ऐड कर रखा है डे टू में। तो हमारा इतने इतने की का जो है हमारा अभ्यास हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट इंटर, इतने की का हमारा अभ्यास हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे जैसे मैंने बता रखा है आपको, वैसे वैसे आप अभ्यास करते जाएं, इससे आपकी निश्चित ही बहुत अच्छी स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों डे टू में मैंने आपको 4 स्टेप बताए, 4 स्टेप में मैंने आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस कराई नंबर पैड पे। तो इन चारों हर स्टेप को 15 15 मिनट करना है, तो आपका ये आपका 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे की मैंने आपको बताई, 4 स्टेप 1 घंटे के हैं। उस जैसे 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे में फिर स्टेप 1 से रिवीजन करना है आपको। फिर स्टेप 1 को करेंगे 15 मिनट, फिर स्टेप 2 को करेंगे 15 मिनट, फिर स्टेप 3 को करेंगे 15 मिनट, फिर स्टेप 4 को करेंगे 15 मिनट। इस प्रकार से आपके 2 घंटे का अभ्यास हो जाएगा। ये 1 घंटे का तो है ये 4 स्टेप, और 1 घंटा इसका रिविज़न करना है इन 4 स्टेपों का, तो आपके 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों जब भी आपकी उंगलियाँ थकने लगे, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें 2 मिनट 3 मिनट का, उसके बाद फिर शुरू करें इस अभ्यास को। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और देखें, की को जैसे जैसे मेज पर आप हाथ ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हल्का सा हाथ ऊपर रहेगा वो सबसे अच्छा तरीका है। जब कभी थक जाता है तो हल्का सा हाथ नीचे कर लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हाथ ऐसे हल्का सा मेज से किसी जो ये चीज़ है एक लाई, ये चीज़ टच ना हो,
कोशिश करें हल्की सी उठी हुई हो, इस प्रकार से आपको हाथ को रखना है कीबोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।